हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कॉम्सकॉलर दिस इज वीडियो लेक्चर ऑन सॉल्यूशन ऑफ बिजनेस स्टेटस्टिक्स पेपर एंड दिस पर बेसिकली हेल्ड इन दिसंबर 2022 थाउजेंड ट्वेंटी सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन पेपर आया था बहुत बहुत ज़्यादा इजी आया था आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टीचर पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू

थ्री मीडियन माइनस टू मीडियन जो वैल्यू गिवन है वो निकालो और फिर जो हमें फाइनल मीडियन पास क्या गया ट्वेल्व हमें निकालना है इस क्यूनस सो क्या होता है क्यू थ्री प्लस क्यू वन माइनस टू मीडियन डिवाइड बाय क्यू थ्री माइनस क्यू वन सो इस कमेशन आपको गिवन है डिफरेंस आपको गिवन है मीडियन आपने निकाल लिया ट्वेल्व सो फाइनसर एंड दिस इज द फाइनल आंसर सो क्लास देख सकते तो अभी काफी इजी है एंड देखो ये दिस ये जो क्वेश्चन आपका पाया है यू विल गेट अवे मार्क्स सी सो सिंपल अब आते हैं पार्ट टू पे बी पार्ट क्या है रेट ऑफ नाइनटी टू नाइन सिक्स पर लीटर फॉर फोर सक्सेसिव डेज कैलकुलेट द एवरेज प्राइस ऑफ पेट्रोल हमें एवरेज निकालना है तो इस एवरेज देखिए हमने तीन पढ़े थे एक तो सिंपल एवरेज हो गया एक हारमोनिक मीन हो गया और एक ज्योमेट्री मीन हो गया तो हमें अब देखना है कि हमें कौन सा एवरेज लगाना है क्या पूछा है इफ़ ही स्पेंड रुपीज़ वन थाउजेंड डेली तो हमें एवरेज निकालना है राइट सो सोल्यूशन देखिए यहाँ पर इफ यू स्पेंड डेली वन थाउजेंड डेली फॉर फोर डेज सो हमें इस केस में क्या निकालना है सिंपल हारमोनिक मीन हारमोनिक मीन देखिए कब होता है जब हम किसी भी एवरेज uh, हम किस बेस निकाल रहे ऑन द बेसिस ऑफ दी लाइक पर डे बेसिस हो गया ठीक है या जब स्पीड का कैलकुलेट करके कैलकुलेट करते हैं जैसे देखो दो यूनिट होती है हमारी जैसे किलोमीटर पर आर हो गया ठीक है तो यहाँ पर हमारे डेली यानी कि एक दिन में हमारा कितना लीटर यूज रहता है तो हमें पर डे के हिसाब से निकाल रहे हैं लाइक लाइक दिस तो देखिए यहाँ पर देखिए फॉर्मुला क्या होता है एन डिवाइडेड बाय ये क्या होता है हारमोनियम का क्या होता है बेसिकली एवरेज, राइट right? तो वही फॉर्मुला है सबके देखिए ये गिवन आ, गिवन है, वैल्यू आपको आपके आंसर आएंट नाइन फोरटी टू फोर पर लीटर राइट सो दिस इज़ मीन आंसर। दैट्स इट। देन अब आपसे क्या पूछा है नेक्स्ट ये ए पार्ट था इफ यू स्पेंड इफ यू परचेस ट्वेंटी लीटर्स ऑफ पेट्रोल डेली बेसिस अब यहां को उल्टा कर दिया इन्होंने कहते हैं ट्वेंटी लीटर्स अगर वो डेली बेसिस पे कर करा तो बताओ एवरेज उसका कितना आएगा कितना उसने स्पेंड किया सो so, अब हम सिंपल एवरेज निकालेंगे बिकॉज देखो क्वांटिटी सेम है तो दो तरीके से आते हैं या तो सिंपल एवरेज ले लो या फिर आप वेटेड ले लो बातें किए तो एवरेज लेंगे तो सबका एवरेज लेके चलेंगे आपका आंसर आएगा नाइन्टी फाइव पॉइंट टू फाइव वेटेड लोगे तो भी आंसर आपका सेम आएगा <laughs> सो अगेन वेरी इजी देखिए आपका दोनों का आंसर चाहिए सेम आएगा इन दोनों से चाहे आप कोई भी मेथड आप यूज कर लो अर्थ मेटिंग करो मीटिंग करोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा एंड अगर आप वेटेड मीन लेके चलोगे तो भी आपका यही आंसर आएगा राइट सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर वन एंड इसी के साथ में आपको एक ऑप्शन भी दिया हुआ है ऑप्शन में देखिए क्या क्या है कुछ है डिफाइन हार एंड स्टेट टू एरियाज वेयर इट्स यूज

हमें निकालना है दोनों कंपनी का एवरेज निकालना है और फिर पूछना हमें किसकी हायर प्रोडक्टिविटी है पर एम्प्लॉय के हिसाब से तो हमें मेल एंड फीमेल दोनों का निकालना होगा तो इस केस में कम्बाइंड मीन निकालना होगा हमें तो राइट सो बस दोनों का हम कंबाइंड मीन निकाल लेंगे फॉर्मूला क्या होता है देखिए एन वन मीन वन एन टू मीन टू डिडेड बाई एन वन प्लस एन टू दैट्स इट सिंपल कंपनी ए का निकाल निकालिए कितना होगा फोर्टी यूनिट्स कंपनी बी का निकाल लो तो उसका भी फोर्टी यूनिट्स आएगा सो दैट मीस एवरेज प्रोडक्टिविटी पर एम्प्लॉय इस सेम फॉर बॉडी कंपनीज नॉट इट देन कि पूछा है विच कंपनीज हैज मोर कंसिस्टेंट प्रोटेटिव ये कैसे निकालते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ वेरिएंस कैसे निकालते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड में मीन इनटू हंडर राइट तो हम दोनों का क्या निकालेंगे सीबी निकालेंगे सीबी कैसे निकाल तो हमें पहले डेविशन निकालना डी वन का स्क्वायर डी टू का स्क्वायर कैसे निकालते हैं मीन में से हम माइनस करेंगे कंबाइंड मीन जीरो आ गया सेम फॉर दिस मीन टू माइनस दिस इसका भी ज़ीरो आ गया स्टैंडर्ड डे वेरियंस निकालो चाहे स्टैंडर्ड एक ही बात है तो वेरियंस निकाला यह फॉर्मूला पुटअप करा फाइव आ गया इसका अंडर रूट निकाला टू पॉइंट टू थ्री सिक्स इज दिस कंबाइंड स्टैंडर्ड स्टैंडर्डीजन फॉर ए कंपनी राइट ऐसी कंपनी बी का निकाला और फिर हमने निकाल लिया कोएफिशिएंट को, को, ऑफ वेरिएंस कंपनी ए का कितना है 5.59 कंपनी बी का कितना है 12.89 सिंस सीवी इज लेस देन लेस फॉर कंपनी ए सो दैट मींस कंपनी ए हैज मोर कंसिस्टेंट प्रोडक्टिविटी ऑलराइट सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर वन फॉर 15 मार्क्स समझ गए होंगे क्लास कितना इजी है नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर टू फर्स्ट पार्ट ए पार्ट आपका गिवन है फाइव मार्क्स का थर्डी क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद एग्जांपल इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स ये तो आपको आता ही होगा प्रोबेबिलिटी चैप्टर का डिपेंडेंट इवेंट्स होता है दैट आउटकम ऑफ वन रिजल्ट इज बेसिकली डिपेंड ऑन प्रीवियस रिजल्ट एंड इंडिपेंडेंट मीन आउटकम ऑफ द सेकेंड रिजल्ट इज बेसिकली नॉट अफेक्टेड बाई द प्रीवियस रिजल्ट राइट तो इसका आप देना ईजी है कोई दिक्कत नहीं है 10 b पार्ट कवर लाएं अगेन फॉर 10 मास्क पर्टिकुलर पार्ट आप गए हैं मंथ डी मास्टरी वेजेस ऑफ 2500 वर्कर्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डी मीन एंड सेंड विच नंबर गिवन है एस्टिमेट डी परसेंटेज एंड नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन वर्कर्स गेटिंग वेजेस अबाउट 70,000 तो ये नॉर्मली डिस्ट्र

राइट right? तो देखिए जेड की वैल्यू कितनी है टू है, वो भी कितने कितने में पॉजिटिव में तो वो देखो यहाँ पर लाई कर रहा होगा जेड की वैल्यू कितनी होगी टू और वो सोमवेयर यहाँ पर लाई कर रहा होगा और हमसे पूछा क्या है हमसे पूछा है कि परसेंटेज है नंबर ऑफ वर्कर्स गे, वर्कर्स गेटिंग अबव। अबव की रही दैट ये कौन सा पूछ रहे हैं ये हमसे ये वाला एरिया पूछ रहे हैं राइट एंड हमें हमेशा गिवन कौन सा होता है क्लास हमें, हमें हमेशा गिवन होता है दिस पोर्शन गिवन होता है, बट हमें सिर्फ ये ब्लैक एरिया निकालना है right? Class, आपको पता ये कितना होता है 50%. हमें ये निकालना है? है है? ये 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 कितना कितना होता हमें निकालना कि होगा, ठीक तो हम क्या करेंगे जब टेबल से देखेंगे तो उसकी वैल्यू कितना पॉइंट सेवन सेवन टू पॉइंट सेवन सेवन टू तो फिफ्टी परसेंट में से ये लेस कर देंगे तो ये एरिया कितना बच गया आपका एरिया आपका कितना बच गया पॉइंट टू टू एट

Sure अब आप, आपके लिए पे निकालना है, 14, तो पहले जी निकाल लेंगे कितना आ रहा है माइनस वन नेगेटिव में आ रहा है तो लेफ्ट साइड में आएगा तो समवेयर आपका यह कहाँ पर लाई करेगा वो यहाँ लाई करेगा दैट मीन्स जेड की वैल्यू माइनस वन यहाँ पर लाई कर आपसे पूछा क्या है कि परसेंटेज निकालो वर्कर्स की जो इससे भी नीचे होंगे

So class, this is the question number two, part A. Sorry, part B. अब इसका ऑप्शन देखो क्वेश्चन देखो क्या था आपका फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट मोमेंट अबाउट टेन अबाउट टेन दैट मीन्स अबाउट अज्यूम्ड मीन की बात हो रही है अगर अज्यूम्ड मीन की बात हो रही है तो अबाउट टेन दैट इज फोर्टी गिवन आपको फोर्थ मोमेंट अबाउट फिफ्टी इज फोर्टी एट ये गिवन आपको फाइंड द मीन एंड सेंडेविशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन

फोर्थ मोमेंट कैसे निकालेंगे देखिए म्यू फोर टू फोर्टी एट सो अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली है तो फिर इसका मतलब कटोसिस कितना होगा थ्री राइट right? यादव बताया बताना आपको कटोसिस क्या कैसे थ्री कैसे निकालते हैं एल एम पी दैट लेप्टोकार्टिक मीनसोकॉटिकॉटिक एंड प्लेटिकॉर्टिक राइट तो इक्वल्स टू थ्री हो गया तो so, जब म्यू फोर निकालेंगे कैसे निकालेंगे इसमें म्यू फोर डिड बाई म्यू टू का स्क्वायर

तो देखिए मिस्टेक्स पर ए, पर पेज एक्स की आपको जीरो वन टू थ्री फोर फाइव नंबर ऑफ पेज फ्रिक्वेंसी होगी आपका ये क्यों ने आपको एफ एक्स निकाल लिया मल्टीप्लाई करके तो सिग्मा टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी होगी फाइव हंड्रेड पेजिज़ कितने हो गए फाइव हंड्रेड दोनों का पोर्ट लेंगे तो कितना आ गया सिक्स ट्वेंटी फाइव मेन निकाल लिया कितना आ गया वन पॉइंट टू फाइव यानी कि एवरेज मिस्टेक पर पेज जितनी होती है

कितना लगा फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई बाईस पावर माइनस इलेमटा तो कितना आ गया फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई दिस एवरेज फ्रिक्वेंसी आ गया अभी मल्टीप्लाई करने के बाद सेम फॉर वन टू थ्री फोर फाइव टोटल कितना आ गया फाइव हंड्रेड राइट सो दिस इज क्वेश्चन नंबर टू ऑप्शन पेपर पार्ट बी देन क्वेश्चन नंबर थ्री

इंडेक्स नंबर निकालना है ईयर आपको गिवन है सी पी आपको गिवन है डेली वेजेस गिवन है आपको रियल वेजेस कैसे निकालेंगे सिक्स हंड्रेड बाय बाई हंड्रेड सिक्स हंड्रेड 100 हंड्रेड हंड्रेड बाई हंड्रेड एट सिक्स थर्टी 110 बाई हंड्रेड बाय सिक्स फिफ्टी बाई हंड्रेड फाइव एंड सो ऑन तो रियल वेजेस आपके पास आ जाएगा इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हैं ये तो बेस ईयर है ही आपका हंड्रेड हो जाएगा इसका कैसे निकालेंगे फाइव फाइव सेवन फोर डिड बाई सिक्स हंड्रेड हंड्रेड इसका कैसे निकालेंगे दिस डिवाइड बाय दिस इंटू हंड्रेड क्योंकि बेस ही हमारी है ना तो सिक्स हंड्रेड से हमेशा आपको डिवाइड करना है जैसे बाय तो आपके पास क्या देगा इंडेक्स नंबर ऑफ इट इजी है रुपी फॉर दर टू थाउजेंड ट्वेंटी कैसे निकालते हैं देखिए परचेजिंग पावर परचेसिंग पावर ऑफ रुपी फॉर दर टू थाउजेंड ट्वेंटी एज कम्पेयर टू टू थाउजेंड टेंगे चलना हमें तो कहता हंड्रेड डिवाइडेड बाई सी पी आई कितना इसका देखिए हंड्रेड एंड फिफ्टी ये रहा हंड्रेड एंड फिफ्टी उसका बेस कहता तो हंड्रेड

चेंज विद रिस्पेक्ट टू टू थाउजेंड टेन इज इंक्रीज बाय थर्टी सिक्स परसेंट इन टू थाउजेंड ट्वेंटी देखिए पी आई कैसे निकाला मैंने सेवेंटी परसेंट इंक्रीज होता प्राइज में तो कितना काइंट सेवन और प्रोडक्शन की uh, 20 तो कितना हुई थी ट्वेंटी परसेंट तो रिमेनिंग कितना रहेगा एट्टी परसेंट तो मंडेरिया करेंगे पॉइंट एट से कितना का वन पॉइंट थ्री सिक्स परसेंटेज निकालना तो मंडेरिया हंड्रेड दट इज़ वन थर्टी सिक्स परसेंट Then B part. The following are the group index number and group weights of a of an average working class family budget. Calculate the cost of living index a number using weighted geometric mean. आपको इस प्रकार से करते हैं कि इसी को use करके आपको जो है cost of living index निकलना है. तो देखिए आपको groups दिए हुए हैं आपको uh, food, clothing, rent, fuel मिसलिनियस इंडेक्स नंबर गिवन की तो इसका लोग निकाल लिया देन मल्टीप्लाई करेंगे इसके वेट से तो मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना के टू थर्टी वन पॉइंट जीरो नाइन सेवन फाइव प्राइस इंडेक्स कैसे निकालते हैं इसके इसमें एंटी लॉग ऑफ सिग्मा ऑफ टू हंड्रेड एंड फोर कहाजाना क्लास बहुत ईजी है पेपर बहुत ईजी पेपर है Then, <coughs> डिफाइन ट्रेंड एंड डिस्कस दैथड्स ऑफिंग ट्रेंड इन टाइम सीरीज क्या क्या कर डिस्कस करना आपको देखिए थे क्वेश्चन है मैथड क्या क्या है टाइम सीरीज के ग्राफिक सेमी एवरेज मूविंग एवरेज मैथड ऑफ ली स्क्वायर को सकते हैं स्टेट लाइन पैराबोलिक एंड एक्सप्लेन सो यू नीड टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स इन क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर का फाइव मार्क्स का देन क्लास बी पार्ट फिट अ स्टेट लाइन ट्रेंड टू दॉलोइंग डेटा टेकिंग टू थाउजेंड सिक्सटीन एज ओरिजिन ईयर देखिए क्लास कितना कितना बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाएगी कुछ भी नहीं करना होगा आपको बस इसमें ट्रेंड बताना हो क्वेश्चन बताना हो सो स्ट्रेडिंग करना है ईयर गेवन आपको प्रोडक्शन गेवन है प्रोडक्शन कितना बाय हो जाएगा आपका राइट पहला यहाँ देखिए बाई यूजिंग दीज टू इक्वेश हमें वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ पास ए एंड बी आ जाएंगे आपके कहता तो वाई सी इक्व टू ए प्लस बी एक्स इक्वेशन आपकी ये होगी देन इसके अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पर आपको ट्रेंड की वैल्यू आपके पास आ इट बहुत सिंपल है ग्लास देखिए ग्लास इतना सिंपल क्वेश्चन पेपर है देन इसका और पार्ट देखिए फर्स्ट थ्योरी पार्ट है डिस्टिंग मल्टीप्लिकेटिव मॉडल एनालिसिस ऑफ़ टाइम सीरीज ये भी बहुत ईजी है डिफरेंस क्या होता है बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव मीन्स इट मीनस दैट बेसिकली ओवरऑल रिजल्ट इज अफेक्टेड बाई दी कंपाउंडिंग इफेक्ट जैसे आप देखते हो कि जैसे जोमेट्री मीन होता है वैसे ही आपका मल्टीपिटिक मॉडल है दैट मीन्स डेटा यानी कि प्राइस किसी भी टाइम सीरीज का जो ग्राफ होता है अगर मल्टीपीटिक मॉडल पर हो रहा है दैट so, मीन्स कहता है वो ऐसा नहीं होता जब तक आप एक नया वेरिएबल एड नहीं करते दैट मीन्स वो एडिटिव हो जाता है या माइनस नहीं कर देते तो फिर वो उसका इफेक्ट होता तभी होता है अदरवाइज नहीं होता तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस यही है पाँच नंबर में आपको लिखना होता है ट्रेंड इक्वेशन फॉर दिल्ली सेल्स ऑफ ए कम्योडिटी एक्स विद फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी एज ओरिजिन बिलो बाई सी आपको इक्वेशन गिवन है वेयर एक्स इज इक्वल टू वन ईयर डिटरमाइन द मंथली ट्रेंड इक्वेशन विद जनवरी 2021 थाउजेंड एज ओरिजन सॉल्यूशन देखिए क्लासेस का ये आपको ट्रेंड गिवन है आपको मंथली में कैसे कन्वर्ट करना होता है सिंपली डिवाइड ऑल दिस वैल्यूज बाय 12।, so, 12. 12 तो देखिए 2400 फोर दिस डिवाइड बाई ट्वेल्व इंटू दिस डिवाइड बाई ई so बाय right? अच्छा लिखा हुआ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी तो कैसे जब हमने ये निकाला तो हमारे कहाँ तक आया जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी तक का आया बट हमने जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी मिड ईयर का तो क्या टाइम आगे कितना डिफरेंस रह गया कितना रहेगा देखिए कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर राइट तो आपको ये कौन सा क्या पड़ेगा पंद्रह दिन के हिसाब से निकालना पड़ेगा जनवरी कौन सा डेट तो गिवन नहीं है देखो हमें डेट गिवन नहीं है विद जनवरी लिखा हुआ बट स्पेसिफिक डेट नहीं की जनवरी कौन से है सो तो ना गिवन के तो कहेंगे मिडिल ऑफ जनवरी तो सिक्स कि फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर प्लस फिफ्टीन डेज फॉर जनवरी कितना हो गया आपका सिक्स पॉइंट फाइव तो बस टू हंड्रेड प्लस फोर एक्स करेगा एक्स प्लस सिक्स पॉइंट फाइव

टू रख दी तो आपकी वैल्यू कितना आ गई लेस वन दैट्स इट बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर फाइव ए पार्ट टेस्ट दी सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर दी फॉलोइंग वैल्यूज बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ट्वेंटी फाइव गिवन आपको अच्छा अलग अलग गिवन आपको दिस वन एंड दिस वन एंड आपको आर गिवन आपको पॉइंट एंड पॉइंट आपको याद होगा एक टॉपिक दैट इज कॉल्ड प्रोबेबल एरर ये उससे रिलेटेड क्लास ध्यान से देखिए कैसे निकालते हैं आर कब सिग्निफिकेंट होता है इफ़ द वैल्यू ऑफ द दर इज ग्रेटर पी ई आर या फिर आर को डिवाइड करेंगे प्रोबेबल एरर से अगर वो वैल्यू अगर सिक्स के अब हो जाती है तो दैट मीन हम बोलेंगे कि आर इज सिग्निफिकेंट पी ई आर एन मीनिंग प्रोबेबिलिटी एरर कैसे निकालते हैं पॉइंट सिक्स सेवन फोर फाइव इन ब्रैकेट वन माइनस आर अंडर रूट ऑफ आर एन तो देखिए नंबर ऑफ रिजर्वेशन टी फाइव एंड टू टी फाइव आर आपको दैट इज पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव पी ई हमने निकाल लिया इस फॉर्मूले से और, और फिर देखा कि क्या वैल्यू हमारी जो है सिक्स से अबव है या नहीं है सिक्स से नीचे है तो नॉट सिग्निफिकेंट सिक्स से ऊपर है तो फिर सिग्निफिकेंट सेम फॉर अगर आपकी वैल्यू ये आर की वैल्यू ये है तो पी ई इतना आएगा और इतना आर डिडेड पी ई इतना आएगा दोनों किस्में सिक्स से अबव है तो दोनों केस में जाएगा सिग्निफिकेंट सो क्वेश्चन फाइव फर्स्ट पार्ट ए पार्ट फॉर फाइव मार्क्स बी पार्ट कंप्यूटर वाइल्ड कैलकुलेटिंग कोरिलेशन कॉम्पलेक्शन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई एन एक्व टू थर्टी सिगमा एक्स वन ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी एक्स स्क्वायर सिक्स हंड्रेड सिग्मा ये वाई होगा दैट इज नाइन्टी सिग्मा वाई स्क्वायर टू फिफ्टी

सिग्मा एक्स निकाल लेंगे करेक्ट सिग्मा वाई निकाल लेंगे दैट मीन्स जो गलत है उसको माइनस करेंगे कर जो सही है उसको हम ऐड कर देंगे सेम फॉर सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर करेक्ट सिग्मा एक्स भी आपके पास आ गया एंड दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ आर यहां पर हम सारी करेक्टेड वैल्यूज रखेंगे आंसर आ गया माइनस दैट्स इट देन इसका ऑप्शन पर देखिए क्या स्टेट दी प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट

एंड टू को एक्स ऑन वाई सो दैट मीनस आर एजोल इज करेक्ट होगा आपका आर कैसे निकालेंगे प्लस माइनस अंडरवुड में बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई बी कितना आ गया माइनस पॉइंट एट सिक्स एरर निकालना है आपको क्या गिवन आपको एक्स की वैल्यू गिविन है फोर सॉरी वेरियंस गिवन है आपको फोर स्टैंडर्ड डिशन कितना आ गया टू कैसे निकालते हैं बी वाई एक्स कैसे निकालेंगे बी एक्स वाई सॉरी बी एक्स वाई कैसे निकालेंगे

फाइव सेवन फाइव वैल्यू ऑफ एक्स इफ वाई टू 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 इक्वल टू ट्वेंटी सो हमने देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन निकाली थी ओके okay. यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कौन सी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे ये एक्स ऑन वाई तो बस उसमें आपको जो वाई की वैल्यू पुट रखनी है दैट्स इट यहाँ पर आपका आ जाएगा वाई ऑन एक्स तो एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी राइट That's it class. This is the question paper uh, in December 2022 टू में ये पेपर हुआ था class question क्वेश्चन पेपर कितना नहीं सीधा सेवेंटी फाइव मार्क्स का आपको जो है इंटरन चॉइस आपको गेवन थी हर क्वेश्चन में आपको तो so, आप इजीली आप कर सकते हो मुझे हार्ड एंड फास्ट का पेपर था नहीं इजीली आप कर सकते आई गेस आउट ऑफ सेवेंटी फाइव एवरेज स्कोर आई गेस सेवेंटी होना चाहिए Alright, students, so this is the question paper for the year 2022. Thank you.